जलसा ना। अजले रुको जीजू, मैं देखती हूँ। तुम देख लो। मेहता साहब, तुम कोयल हो ना? हाँ, पर आपको कैसे मालूम? अरे अंजलि भाभी ने जैसा बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही हो तुम। शरारती। अरे दया भाभी, आप कब आए? हाँ, मैं सब भी आई। कोयल, ये है हमारी दया भाभी, गरबा स्पेशलिस्ट। नमस्ते। नमस्ते। नाश्ता? अरे आप नाश्ता क्यों कर रहे हैं? नाश्ता कोई क्यों करता है दया भाभी? मेरा मतलब है कि आप अभी नाश्ता करेंगे तो हमारे घर पर क्या खाएंगे? समझा नहीं मैं कुछ। अरे मैं बताना ही भूल गई, क्या है कि कोयल आई है ना, तो मैं आप सबको हमारे घर पर खाने का न्योता देने आई हूँ। ओहो, अगर आपके हाथ का बना हुआ खाना खाना है ना दया भाभी, तो मैं इस नाश्ते के बाद भी दो बार खा सकता हूँ। थैंक यू। अरे दया भाभी, पर इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत है मतलब, मेरा वीरा आपका वीरा है तो आपकी वीरी मेरी वीरी हुई ना। वीरी? वीरी? मतलब आपकी बहन मेरी बहन हुई ना। हाँ बाबा हुई। आप भी ना दया भाभी। हाँ चलो मैं चलती हूँ, लेकिन आप लोग टाइम पर आ जाओ। ओके जरूर जरूर। चलिए तारक, फटाफट तैयार हो जाइए। अरे भाई औरतों को टाइम लगता है, मुझे टाइम नहीं लगता, मैं हो जाऊंगा दो मिनट में, पहले आप लोग तैयार हो। अरे इसे तो छोड़ दो। अरे बाबा लंच खाना तो सब हैवी हो जाएगा, चलो। गुड मॉर्निंग माता साहब। आओ आओ पोपट लाल। कैसे आना हुआ? वो क्या है, कल रात को मैं अपना छाता यहाँ भूल गया था, वो लेने के लिए आया हूँ। हाँ ये रहा ना छाता तुम्हारा। हाँ हाँ हाँ। क्या ढूंढ रहे हो भाई? वो हमारी पत्रकार मित्र आज कहीं नजर नहीं आ रही है। पत्रकार मित्र? ये हमारी साली साहिबा तुम्हारी मित्र कब से हो गई बोबटलाल? क्या मेहता साहब, आप भी, अब वो भी पत्रकार, मैं भी पत्रकार, पत्रकार पत्रकार मित्र। थोड़ा सा फर्क है, अभी पत्रकार हुई नहीं है वो, पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही है। अरे जीजू, गुड मॉर्निंग कोयल। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, वेरी वेल वेरी वेल। आप कैसी हैं? आई एम सो फाइन। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था मेहता साहब, अगर कोयल जी को मुंबई देखने की इच्छा हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मुंबई शहर घुमा दूंगा। मुंबई बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया शहर है, क्योंकि इसी शहर में इसके जीजा जी रहते हैं, इसलिए भोपटलाल तुम्हें तकलीफ करने की क्या जरूरत है, मैं घुमा दूंगा ना आराम से अपनी साली साहिबा को मुंबई। ना नहीं 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 मेहता साहब, मेरे होते हुए आप ये कष्ट कर ही नहीं सकते भाई। आप ठहरे इतने बड़े राइटर हैं, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, खबरें रोज थोड़ी मिलती है, जिस दिन मिलती है उसी दिन छपती है, हैं? इन दिनों मैं थोड़ा वैसे फ्री हूँ, तो मैं इन्हें बम्बई शहर घुमा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अच्छा। हाँ और मैं क्या कह रहा था कि भाई आपको वीजा के सिलसिले में किसी भी तरह का काम हो तो भाई कॉन्टैक्ट पत्रकार पोपटलाल। हाँ, वो वीजा ऑफिस में मेरे बहुत जान पहचान वाले हैं, वो एक दिन में आपका काम निपटा देंगे। नो थैंक्स, मेरा जो ट्रैवल एजेंट है ना वो सब अरेंज करके दे रहा है मुझे। क्यों करेगा? क्या मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये पोपटलाल तो कोयल के कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रहा है। कोयल जी, वैसे और क्या क्या शौक है आपके? I love watching movies. अच्छा, I also love watching films. फिर से same to same. देखिए मेहता साहब, हाँ हाँ देखा। ये छाता छाती साथी साथी है, और फिर वो जर्नलिज्म जर्नलिज्म, और अब फिल्में।
भाई मैं एक भी फिल्म नहीं छोड़ता हूँ, हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो में देख लेता हूँ। भाई आखिरी फिल्म आपने कौन सी देखी थी? मैंने लास्ट मूवी देखी थी नागास्वामी मरेपा उत्पा। हो गई कोयल की शरारतें शुरू, अब देख बेटा पोपट तेरा पोपट होने वाला है।